हेलो शार्क्स, मैं हूं अविनाश और मैं हूं शैंकी। सो आज हम आपको हमारी लव स्टोरी सुनाना चाहते हैं। हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होती है प्रपोजल एंड रिजेक्शन से, बट फाइनली एक दिन लड़की मान गई एंड वो हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेस था। हम एक दूसरे को सरप्राइजेस देते थे, डेट्स पर जाते थे एंड रोमांस वॉज वेरी हाई। एंड 2 साल के बाद में हमारी शादी हो गई एंड वी वर ऑन क्लाउड 9। हनीमून पीरियड काफी लंबा चला, हॉलीडेज, सरप्राइजेस, सब कुछ था। इंटीमेसी वाज गुड, इन शॉर्ट लाइफ में काफी शरारत थी। लेकिन उसके बाद हमारे साथ वही हुआ जो मोस्टली सभी के साथ होता है। लाइफ बिजी हो गई, मोबाइल पार्टनर से ज्यादा टाइम लेने लग गया, कडल्स की जगह बेड पे बीच में अब पिलोज आने लग गए। इन शॉर्ट लाइफ में दूरियां आने लग गई। देन वी रियलाइज कि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती। वी नीड सम एक्साइटमेंट, रोमांस बैक इन आवर लाइफ्स। और यहाँ शुरुआत हुई शरारत की। शरारत एक बेडरूम फैशन ब्रांड है जो कपल्स की मोनोटोनस बेडरूम लाइफ में थोड़ा फन एंड स्पाइस लेके आता है। इसके अंदर हम बेडरूम वेयर की काफी वाइड असॉर्टमेंट रखते हैं, जैसे कि बेबी डॉल ड्रेसेस, टेडीज, रोल प्ले कॉस्ट्यूम्स, गाउन्स, गिफ्ट हैम्पर्स फॉर स्पेशल ओकेजंस एंड लाउंज वेयर। हमारा मानना है कि अगर आप अपनी आउटडोर डेट्स के लिए इतना रेडी हो सकते हैं तो वाई नॉट फॉर योर बेडरूम डेट्स। हम अब तक 2 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। हमारा ब्रांड आज इंडिया की लीडिंग मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है। उसके अलावा हम अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं एंड रिसेंटली हम लोगों ने अपने ऑफलाइन काउंटर्स भी लॉन्च करे। हम चाहते हैं कि कपल्स का हनीमून फेज कभी भी खत्म ना हो। हमारा विजन है इंडिया का नंबर 1 बेडरूम फैशन डेस्टिनेशन बनना, जिसके लिए हम आपसे चाहते हैं आपके शरारती ब्रेन्स एंड 60 लाख रुपीज फॉर 2% ऑफ इक्विटी। शरारत, बी नॉटी, बी हैप्पी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। तो 8 साल में ही शरारत खत्म हो गए। तो शरारत तो हम लोगों ने 2020 में चालू कर ली थी। पोस्ट कोविड एसेंशियली वी लॉन्च दिस वर्जन ऑफ शरारत। यू आर कॉलिंग इट बेडरूम फैशन, मैंने आज तक वो टर्म सुना नहीं है। करेक्ट, तो आपकी इन्वेंशन है कि ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? पीपल कॉल इट इंटीमेट वेयर और अ नाइट वेयर। वी थॉट लेट्स मेक इट मोर एक्साइटिंग एंड ट्राई टू ओन दिस वर्ड बेडरूम वेयर। Night wear, you can, there is a very sexy night wear, like, you know, role play costumes, teddies, all those things. And then you have your day-to-day regular lounge wear brand, jo thoda sa repetitive wala customer hai. This intimate bedroom is more aspirational. Log roz roz nahi khareedte. Can we show our products to you? Please. I like the fact ki aapka jo lace hai, very soft. Yes. बहुत सारे लेस बहुत सिंथेटिक फील होते हैं। Correct. And at least for the woman, it feels terrible on her skin. Even though यहाँ आपका सिंथेटिक मटेरियल है, यहाँ कॉटन है एंड सॉफ्ट है at the bottom. Absolutely. So I think ये जो आपने अटेंशन टू डिटेल किया है, that's very nice. कार्ड्स का क्या है? Act like your partner in bed. ये क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं लोग? So ये actually आपने जो लिया, it's a hamper. ये hamper हम लोग बेचते हैं जो पूरा curate होके बनता है। इसमें आपका कुछ ड्रेसेस भी डाल सकते हैं। We have few games like couples के लिए games है जो वो अपने intimate times में इस games को play कर सकते हैं। तो आज के अनुपम आपके partner है? मेरे नहीं है कोई partner। मुझे नहीं चाहिए। Only for the show। मैं अभी out हो जाऊंगा। Would you rather go wild or go mild? Ritesh? Ritesh, आप answer. Newlywed है ना? Perfect customer है हमारे लिए. Answer करो, Ritesh. तो जिनको बताना है उन्हें बताएंगे ना? इन्हें शर्म आ रही है. इसको पढ़ते भी normal है या? Yeah, tell one thing. सब वो देखो, आप कितने शरारती हो उस पे depend करता है. Would you? ये बहुत ही गंदा है. Give a 5-minute lap dance to. तो यहाँ पे भी कुछ ये उसको शर्म इतनी आ रही है पूछने में दे रहा। आपके कस्टमर बेस कौन है प्राइमरीली? प्राइमरीली हम लोग अपने मिलेनियल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 45 एंड हम लोग मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को एसेंशियली टारगेट करना चाहते हैं। मिडिल क्लास को एस्पिरेशन है, ऑप्शंस नहीं है। तो इसका प्राइस क्या होगा फॉर मिडिल क्लास? मैम दिस इज 799। दैट्स वेरी गुड, 799। वी वांट टू लेट देम ट्राई देम आउट।
वी हैव सम प्रीमियम हैम्पर्स ऑल्सो, बेडिंग और वो सब कुछ है, बट वो हम चाहते हैं कि एक बार वो शरारत एक एक्सपीरियंस कर ले, उसके बाद में दे गो फॉर अ लार्जर थिंग। और आपके ज्यादा कस्टमर्स मेल हैं जो वुमेन के लिए गिफ्ट कर रहे हैं या फिर वुमेन हैं जो अपने आप से आकर के चूज कर रही हैं? हमारे 60% बायर वुमेन है एंड 40% बायर मेल। इंटरेस्टिंग। आपका जो कैटेगरी पॉपुलर है वो नाइट वेयर टाइप का या नॉटी टाइप का ज्यादा पॉपुलर है? हम लोगों ने इंटीमेट वेयर हमारा लास्ट ईयर लॉन्च करा अराउंड 15 मंथ्स बैक एंड इसका हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 35% ऑफ द बिजनेस आ चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट इट कि ये बिकॉज इट्स इंक्लूड्स अ हाइजीन आइटम, इट्स अ नॉन रिटेनेबल आइटम बाय पॉलिसी एंड हाइजीन, तो नेट मार्जिन इसका ऑलवेज बेटर होता है देन द रेगुलर लॉन्च। आर रोल प्ले कॉस्ट्यूम्स पॉपुलर इन इंडिया? हाउ मच डू यू सेल? इट्स लाइक कैचिंग अप, नॉट एवरीवन इज अवेयर। लाइक द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स कितना ये रोल प्ले कॉस्ट्यूम्स में? 3-5% के बीच में इसका रेंज का। मेनस्ट्रीम नहीं है अभी ये। इसके अंदर थोड़ा सा ये एक चैलेंज रहता है कि पीपल आर नॉट सो कंफर्टेबल शेयरिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड द बेडरूम, तो कंज्यूमर इनसाइट्स को लेके थोड़ा सा हमें चैलेंज रहता है, बट द आइडिया इज कि लाइफ रोमांटिक रहनी चाहिए। आपको लगता है इससे लाइफ में रोमांस बना रहता है और इट इज टू गिमिक? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में तो ये नई चीज है, वेस्ट में, यूएस में बहुत सालों से। बिल्कुल, लेकिन डिवोर्स रेट्स वहां सबसे ऊंचा है। True, तो आपको लगता है रियली इट डज समथिंग फॉर द रिलेशनशिप? सर हमारा मानना है कि दिस इज जस्ट अ मीन, अंडरलाइन मैसेज है कि कपल्स का रोमांस बनाना चाहिए। हो सकता है आपको रोमांटिक एक डेट पे जाने पे, हॉलीडे पे जाने पे या फिर एक अच्छी डिनर लाइक पे करने, उससे मिल जाता है। हम कपल्स को ऑप्शंस देना चाहते हैं। अब उसके अंदर सर जो आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल, इट्स सो गुड कि इंडिया में अब इंटरनेशनली जो काफी ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आने लगे हैं, ओवरऑल एक कैटेगरी ग्रोथ करने लगी है। ब्रांड्स लाइक हंकी मोलर, विक्टोरिया सीक्रेट, लावी एंड रोज, ये सब इंडिया में एंटर कर चुके हैं। लेकिन वो तो काफी फोकस नाइटवेयर और लॉन्जरे पे करते हैं ना। Right. आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ये जो प्रोडक्ट है इसमें वेरिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। ट्रू, क्वालिटी इसकी बहुत फीकी है। राइट, दिस इज, इसका बो निकल गया, फैब्रिक्स आर नॉट दैट, इट इज फंडामेंटली फॉर टिटिलेशन। आई अंडरस्टैंड, राइट, इट इज नॉट फॉर वेयरिंग, तो वो अलग कैटेगरी हो गई। दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ आवर्स। आपने नहीं कहा कि 30% इसका बिक रहा है? नो नो, आई सेड 3%। 3% इज कॉस्ट्यूम, 35% इज इनरवेयर। One second, and the rest of it? Rest is normal nightwear type. Nightwear, loungewear, those items. जो loungewear, ये जो hangers पे, that is about 65%. 3% is only naughty. Yeah, this is the... Ah, okay. ये जो कपड़े हैं, prints हैं, इस तरीके की dresses, जो किसी भी ओजरी शॉप में जयपुर में मिल जाएंगे आप निकलोगे तो व्हाट इज यूनिक अबाउट इट? बिकॉज जिसमें हम पोजीशन कर रहे हैं शरारत को, वो काफी कमोडिटाइज्ड मार्केट है। रोल प्ले वाले जो आपका बिजनेस ही बहुत छोटा है, यानी कि डिमांड ही बहुत कम है उसकी, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? तो अब देखिए इसके अंदर मोट में क्या हो गया कि प्रोडक्ट फीचर में, जैसे कि नॉर्मली ये सारे आइटम्स है ना मार्केट में वन साइज आइटम मिलते हैं, लाइक अ फ्री साइज आइटम, हम लोग इसको स्पेशली 4 sizes के अंदर बनाते हैं, काफी कलर वैरायटी रखते हैं, दैट्स वन पार्ट। सेकंड जो एज अ ब्रांड हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ एक्सपीरियंशियल ब्रांड, जो आपने हैम्पर्स देखे, उस तरह कुछ कुछ एक्टिविटीज देखे, पर वो मेनस्ट्रीम मेन बिजनेस बना नहीं है। राइट, तो देखिए इसलिए हम लोग भी हमारी पोजिशनिंग कॉमोडिटी सेगमेंट में नहीं ले रहे हैं। हम लोग, हमारी पोजिशनिंग वेरी क्लियर है कि हम लोग वी आर वांट टू नोन फॉर दिस थिंग। उस वो बिजनेस हमारे लिए इसलिए हेल्प करता है कि वो हमारा मतलब है ना रिपीट बिजनेस के लिए, डे टू डे के लिए, वो सब के लिए हेल्प करता है। इसके थ्रू एस्पिरेशनल हमारे से लोग कनेक्ट करेंगे, बट बाद में मुझको उसको और भी चीजें सेल करनी है। नाम आपने रखा वो हिंदी है, तो ये अपना पैन इंडिया, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उसके हिसाब से आपने सोचा कभी कि नाम शरारत विल बी ओनली नॉर्थ इंडिया प्राइमरीली स्पेसिफिक और साउथ तो पूरा मिस हो जाएगा, ग्लोबली भी मिस कर जाओगे इस ब्रांड नेम से? तो ऐसा नाम रखना जिसमें, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट नाम रखा, तो इट काइंड ऑफ हैज दैट नॉटनेस इन अ वे, राइट? डिडंट यू थिंक अबाउट द ब्रांड नेम इटसेल्फ की ये जो नाम है इतना स्केलेबल या नहीं रहेगा अगर आपका विजन बड़ा होगा तो? मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही हुई है नेम। आई अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज एज अ बैरियर में आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग नहीं समझ में आए, बट आजकल काफी हिंदी लैंग्वेज मेन स्ट्रीम हो गई है। शार्क टैंक भी आज इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस होते बावजूद भी सब हो रहा है। अविनाश, ये आपने कैसे किया? मुझे इसे आपसे सीखना। अरे सर प्लीज, हम आपसे सीखने आए हैं। मुझे आपसे ये सीखना है कि बीवी के होते हुए सिर्फ आप कैसे बात करो। हाँ, वही मेरे से तो नहीं होता। मैडम की शेयर होल्डिंग ज्यादा है मुझसे, तो मैं तो उसके लिए एम्प्लॉय हूँ। मैंने काम आपको बोलना है। कितने आपकी शेयर होल्डिंग? मैम मेरी 47% है। और आपका इक्विटी? मेरा 32% है। तो मतलब कोई इन्वेस्टर है ऑलरेडी?
कितना पैसा डाला है? ईयर एंड हाफ बैक एक राउंड करा था छोटा सा, और 10 सीआर की वैल्यूएशन पे 75 लाख, तो उस टाइम पे हमारा 11% डाइल्यूशन करा था हम लोगों ने। 11% थोड़ी 7.5% हुआ? नहीं, थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स में एडवाइसरी प्लस क्लियर बता दे भाई प्लीज, मतलब हम लोगों ने एडवाइसरी इशू करा था। जैसे भी दिया आपने, वैल्यूएशन तो 7 करोड़। और अभी हमारा एंजल राउंड ऑन गोइंग है, वो हम लोगों ने कन्वर्टेबल नोट पे करा है। करा है मतलब हो गया राउंड, 50 लाख का क्लोजर होके मनी इन द अकाउंट आ चुका है। तो 50 लाख कब रेज किया आपने? इसी धनतेरस पे हमारा क्लोजर होके मनी इन द बैंक अकाउंट। और क्या टर्म्स थे आपकी? तो हम लोगों ने कन्वर्टेबल पे करा है, इसके अंदर 18 का हमारा फ्लोर था एंड 25 सीआर का कैप है। जो वैल्यूएशन यहाँ लेके आओ 30 करोड़ का लाए हो, जो आपका कैप है उसके भी ऊपर, ऐसा क्यों? तो बेसिकली हम लोग अब प्राइस राउंड करना चाह रहे हैं। शार्क टैंक नॉर्मली प्राइसिंग राउंड नहीं होता, इट्स मोर इट्स शुड बी पोजीशन बेटर। अच्छे मेंटर्स मिलते हैं आपको, उससे नजरिए आना चाहिए। और रिपीट रेट कितना है आपका? 20% है। सेल्स बता दीजिए जरा। हां जी, पोस्ट कोविड जब बिल्कुल हम लोगों ने ग्राउंड सब बिल्ड करा, दैट वाज अराउंड 1.2 सीआर था। उसके नेक्स्ट ईयर वी डिड अबाउट लाइक 2.3 सीआर एंड लास्ट ईयर नेट सेल हैज बीन अराउंड 3.3 सीआर। एंड ये साल का प्रोजेक्शन हमारा अराउंड 2 सीआर काइंड ऑफ डन हो चुका है एंड नाउ वी हैव सम फंडिंग इन प्लेस। एंड ये वेडिंग सीजन में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ती है, तो अराउंड 4.5 सीआर का इज द प्रोजेक्टेड व्हाट शुड बी डूइंग इन दिस। लास्ट मंथ कितना सेल्स किया आपने? 27 लाख। और आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर एंड लास्ट मंथ? लास्ट ईयर हम लोगों ने फंड रेज करने के बाद में थोड़े काफी नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो देयर वाज सम बर्न, अराउंड 50 लाख का हमारे लास्ट ईयर के अंदर लॉस रहा था। जो इस साल हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट कॉन्शियस ज्यादा हुए, तो बर्न हम लोगों ने उसको महीने का अराउंड 2.25 लाख पे लेके आया। लास्ट मंथ आपने 2 लाख रुपया लूज किया? करेक्ट। मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही, मुझे ब्रांड में भी थोड़ा दम नहीं लग रहा। You could have made it more naughtier और कुछ positioning अच्छी कर सकते थे। For that reason I am out। एक ही बात की दाद दे सकता हूँ मैं, आपकी दृढ़ता की, आप लगे हुए हो। Besides that मुझे कोई category समझ नहीं आ रही। Okay। बस lingerie एक repeat usage वाली category है और एक high brand loyalty वाली category। I understand। तभी जाके customers बनते हैं, तभी जाके धंधा बनते हैं। आप ऐसा धंधा कर रहे हो जहां पर आज शरारत है कल नॉटी है, इसको फर्क नहीं पड़ता, और आप उसी को पोजीशन कर रहे हो। बाकी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मैं उठ के वहां गया भी था देखने के लिए, इसमें कफ्तान्स है, पॉट सेट्स हैं, कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है। हर बाजार में, हर शहर में, सब जगह मिलता है, तो आज आपके पास बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त। डोंट सी व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। श्योर, नो प्रॉब्लम। जो वेबसाइट वगैरह पे एंड ऑल दैट, नाउ वी आर श्योर कि यहां से हम लोग स्केल अप कर लें। इससे पहले कैपिटल हैव बीन वेरी लिमिटेड टू स्पेंड ऑन ऑल दिस थिंग्स। मुझे इस सेगमेंट में इंटरेस्ट था इनिशियली, द रीजन बीइंग के यू नो वुमेन इन दिस कंट्री अपने खुद के प्लेजर के बारे में बात करने से हिचकिचाती हैं, खुद पे स्पेंड करने के लिए दे डोंट रियली प्रायोरिटाइज, राइट? तो मुझे लगा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो ग्रो होगा। बट आई टेल यू व्हाट माई प्रॉब्लम विद शरारत इज, आई थिंक आपका बिजनेस स्केल इसलिए नहीं हो रहा है 3 साल, इज बिकॉज आपके कंपेटिटर्स का पोजिशनिंग इज बेटर देन योर्स। आई थिंक अगर आपके पोजिशनिंग पे थोड़ा काम करेंगे, शरारत हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट फॉर टुडे आई एम आउट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। स्टार्टअप्स में ना 3 चीजें से उनका बिजनेस बनता है, कस्टमर, कस्टमर और कस्टमर। जी। तो आपने जब शुरू में कहा 2 लाख कस्टमर हैं आपके, मैं उससे बहुत एक्साइटेड था। ओके। तो मुझे लगा आपने कुछ फिगर आउट कर लिया है जो मुझे सीखने की जरूरत है, जिससे कि मैं आपके बिजनेस में जुड़ सकूं। Okay. पर मुझे दूसरी तरफ एक और चीज जब मैंने सुना, तब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ काम करना बाकी है। जो आपका 20% का रिपीट रेट है, वो मुझे लगता है कम है इस कैटेगरी में। मुझे लगता है कि आप रिपीट रेट को एक मेट्रिक की तरह लाइक अ हॉक ट्रैक करिए, जिससे आप समझ पाएंगे आपका यूनिक राइट टू विन क्या है। क्योंकि आज आप वो फिगर आउट नहीं कर पाए, उस कारण से आज मैं आउट हूँ। बट आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। मैं बाहर हूँ, रीजन बताता हूँ। इतना कमोडिटाइज बिजनेस होता है ना, तो ब्रांड क्रिएशन बहुत क्रिटिकल काम हो जाता है। कभी इतनी ब्रांड बनी नहीं ऐसी कैटेगरी में, फिर ब्रांड बनाने पे काम करो। और उसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि अभी अपन लोगों ने ज़्यादा डेप्थ दिए सोचने की,
और कई सारी डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनी है इंडिया में। मुझे लगता है आप उनसे इंस्पायर होकर देखो कि कैसे आप वो चीज क्रिएट कर सकते हो। आज मैं बाहर हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, मेनी बेस्ट। थैंक्स।